ओके देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ एनर्जी का टॉपिक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। सेल्फ एनर्जी क्या होती है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एनर्जी, फिर से एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी है फिजिक्स में? कोई स्प्रिंग कहते हैं तो कहते हैं स्प्रिंग एनर्जी है, वो भी पोटेंशियल है। कोई कहता है पत्थर को ऊपर ले गए MGH, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। कोई कहता है कि ग्रेविटेशन में उसको -GMM/R, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। कोई बोलता है कि ये जो आपकी जो पॉइंट चार्जेस थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है 1/4 πε0 Q1 Q2 πε। तो ये नई एनर्जी कहाँ से आ गई? ये नई एनर्जी नहीं है, पहले इस बात को समझ लो। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो आप कहोगे फिर इसका मतलब जो हमने पिछले टॉपिक किए जिसमें पॉइंट चार्ज लिए थे Q1 Q2 और उसमें हमने फॉर्मूला बनाया था 1/4 πε0 Q1 Q2 πr, तो वो भी सेल्फ एनर्जी है? नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है। तो फर्क क्या है? सेल्फ एनर्जी टर्म यूज होती है जब कोई बॉडीज कंसिडर करते हैं, जैसे एक स्फेयर है, एक शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो शेल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों एग्जिस्ट करेगी? वो इसलिए एग्जिस्ट करेगी क्योंकि अगर हम बेसिक्स देखें पोटेंशियल एनर्जी के, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर सपोज आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं इनमें पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी 1/4 πε0 Q1 Q2 πr। मैं पूछूंगा क्यों एग्जिस्ट करेगी? तो आप कहोगे क्योंकि शुरू में दोनों चार्जेस कहां पर पड़े हुए थे? एट इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी से चार्जेस को लेके आए थे, आपने पहले चार्ज को यहां रखा वर्क डन जीरो, फिर आपने दूसरे को रखा, तो दूसरे को रखा इसके इसने इसको रिपेल किया और आपने वर्क डन किया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको वर्क डन करना पड़ा, वो जो टोटल वर्क डन आया वो पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने कहा ओके, समझ में आ गया। फिर मैंने सेम रूल किस में करवाया? तीन पॉइंट चार्जेस में करवाया। अगर तीन पार्टिकल्स हैं तो तीन पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से रखा गया और फिर एक एक करके वर्क डन निकाला, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। समझ में आया? ये शेल बीच में कैसे आ गया? देखो, अगर आप इस शेल की बात करते हो तो अगर आपके पास कोई भी एक शेल है, ये एक शेल है, इस शेल के ऊपर कौन सा चार्ज है? मान लो पॉजिटिव चार्ज है। और कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज यहां पे अगर मैं लेके आया तो इमेजिन करो कि शुरू में इसके पास कोई चार्ज था ही नहीं। शुरू में सारा का सारा चार्ज कहां पर था? एट इंफिनिटी। तो पहले मैंने यहां इंफिनिटी से कितना चार्ज रखा? डी क्यू। तो मेरा पहले अमाउंट ऑफ डी क्यू चार्ज रखने का वर्कडन जीरो, क्योंकि शेल बिल्कुल खाली था, पहला चार्ज डी क्यू लेके आ रहा हूं तो मेरे को रिपल्शन तो लगी नहीं, तो मेरा वर्कडन जीरो। पर जब मैं अगला डी क्यू लेके आया तो इस पहले वाले डी क्यू ने मेरे को क्या किया? रिपेल किया। तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। वो जो वर्क डन होगा वो मैंने साइड पे नोट कर लिया। अब दो दो डी क्यू पड़े हैं, सोचो एक और डी क्यू लेके आ रहा हूं, तो ये दोनों डी क्यू मिलके मुझे क्या करेंगे? तीसरे डी क्यू को रिपेल। तो मुझे एक नया वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो नया वर्क डन है वो पुराने वर्क डन से ज्यादा करना पड़ेगा। अब तीन तीन डी क्यू हो गए एक तरीके से, मैं और डी क्यू लेके आ रहा हूं, तो पड़े हुए पहले डी क्यू मेरे और डी क्यू को रिपेल करेंगे। ऐसे करते करते मैं इसमें चार्ज भरता जा रहा हूं। अब जब मैं नया चार्ज लेके आ रहा हूं, मुझे बहुत वर्क डन करना पड़ेगा एंड में, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्यू चार्ज भरता हूं इसमें टोटल, और मैं सारे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करता हूं पहले डी क्यू का, दूसरे डी क्यू का, तीसरे डी क्यू का, करते 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 कैपिटल क्यू तक, और उन्हें ऐड करता हूं, तो पूरे सिस्टम की क्या निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसको बोलते हैं कि हमने शेल की क्या निकाली? सेल्फ एनर्जी। तो क्लियर है यहां तक? तो एक शेल की सेल्फ एनर्जी का मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना। तो उसको इस टॉपिक का नाम है सेल्फ, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं, चार्ज एक टाइम में नहीं आ सकता। ऐसे तो फिर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। ये वही बात है कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैं घर से उठा के लेके आया, मैंने कहा चल घर चल चल क्लास में चलते हैं पढ़ने, तो इकट्ठे ले आया मैं उठा के। इकट्ठे लाने में मेरी तो जान लग गई ना, मैं तो वर्क डन कर रहा हूँ ना, तो मेरा वर्क डन एनर्जी है। वो तो भाग रहे हैं एक दूसरे के सामने, पर मैं कह रहा हूँ तुम्हें बैठना पड़ेगा, तो मैं पकड़ के भी बैठा हूँ तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया ना क्लास में, तुम भाग जाओगे अपने घर? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपका घर है, मैंने बोला था आपको, तो आप तो भाग जाओगे। अगर मैंने पास भी ले आया तो मेरा तो वर्क डन लग गया, तो मैं एनर्जी लग गई। क्लियर है? तो जब भी एक दूसरे के आसपास आएंगे आप, तो वर्क डन मेरे को लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी स्टोर होगी होगी।
मैंने कहा मैं भरूंगा इसमें कैपिटल क्यू धीरे धीरे करके, एंड रिजल्ट दिखाया, ठीक है पहले खाली है, पॉइंट क्लियर है? तो सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर मैं सेल्फ एनर्जी निकाल लूं इसमें, ये सेल्फ एनर्जी, तो वर्क डन इन चार्जिंग अ बॉडी इन अ गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन इज सेल्फ एनर्जी। भैया मैंने चार्ज करना चाहता हूं, मैं चार्ज कैसे भरना चाहता हूं, मैं शेल के ऊपर भरना चाहता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, शेल नहीं, मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वॉल्यूम वाइज चार्ज को भरना चाहता हूं, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी सेल्फ एनर्जी। तो आप एनर्जी को कैसे भरना चाहते हो, किस कॉन्फिगरेशन में भरना चाहते हो, आप लाइन चार्ज करना चाहते हो, आप डिस्क करना चाहते हो, आप स्फीयर करना चाहते हो, आप शेल करना चाहते हो, सब में क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सो ये डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी हो गई। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन इट्स सराउंडिंग। अब क्या होता है, एक बॉडी है, वो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जहां जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज होगी, वहां वहां उस पूरे वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जैसे आप अर्थ है, अर्थ जहां जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, हम बोलते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां वहां क्या प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी। तो वो यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड एनर्जी जो इसको हम चार्ज करते हैं एक बॉडी को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी पाई जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी। टोटल सेल्फ एनर्जी इज स्टोर्ड इन सराउंडिंग। तो सेल्फ एनर्जी दिखेगी कहां कहां पड़ी है, वो सराउंडिंग में दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां है, वहां वहां एनर्जी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। तो आप अगर करना चाहें टेस्ट तो कर सकते हैं, एक चार्ज बॉडी लें, जहां जहां उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आप एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, तो वो जो चार्ज बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपोज करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, इसका मतलब वहां एनर्जी प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक कंडक्टर है, एक शेल है, शेल ना भी हो या हो, चार्ज शेल किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर तो कभी होता भी नहीं है, कहां पर होता है, उसकी सरफेस पे होता है। तो अगर एक शेल की सरफेस पे चार्ज मेरे को भरना है, शुरू में तो था नहीं, कैपिटल क्यू, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि उसमें कैपिटल क्यू चार्ज भरा जा सके। तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए शेल। हम ये करने जा रहे हैं, रूल क्या है, रूल ये है कि मान लो मेरे को इस स्फीयर को कितना चार्ज देना है, कैपिटल क्यू, मुझे कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर करवाना है। इनिशियली वो चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है, एट इंफिनिटी, यानी कि जो हमारा जो कंडक्टिंग शेल है या स्फीयर है वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। मैंने डी क्यू भरना शुरू किया, वर्क डन कैलकुलेट करने शुरू किए, एक इंस्टेंट पे मैंने देखा कि यहां पर चार्ज कितना भरा जा चुका है, क्यू, स्मॉल क्यू, ये किसी इंस्टेंट का चार्ज है, जबकि होना कितना चाहिए, कैपिटल क्यू, अभी मैं रास्ते में हूं। तो स्मॉल क्यू अपने सरफेस पे कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0Q/R लगाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये पोटेंशियल लगाएगा और ये पोटेंशियल इसकी सरफेस पे लगेगा। जब मैं अगला डी क्यू यहां से लेके आऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ
वर्क डन, कितना करना पड़ेगा, जितना मैंने चार्ज को रखा इनटू उस स्फीयर का पोटेंशियल, वो क्यों हमने टॉपिक किया था, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी या वर्क डन, याद है, क्यू इनटू वी। तो मैंने डी क्यू चार्ज को रखा और वी इज दी स्फीयर का पोटेंशियल, ऐसे ही होगा। तो स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, 1/4 πε0 Q/R इनटू डी क्यू। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जब मैंने डी क्यू चार्ज को सरफेस पे रखा, पर मेरे को तो टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कहां से कहां, जब मैंने कितना चार्ज भरना है, जीरो से कैपिटल क्यू, तो मैं क्या करूंगा, इसकी इंटीग्रेशन। तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, कॉन्स्टेंट्स बाहर आएंगे, क्यू डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय टू जीरो से कैपिटल क्यू। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर शीट के ऊपर लिख लो, दिस शीट इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, पूरी की पूरी शीट एनसीईआरटी में नहीं आएगी, यह टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं आएगा, राइट तो क्या आएगा, जो फॉर्मूले का रजिस्टर बना रहे हो ना, उसमें ये फॉर्मूला नोट करो, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8π ε0 R, ये आ सकता है। आपको एक स्फीयर देगा, उसकी सेल्फ एनर्जी के ऊपर ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसका प्रूफ नहीं आएगा, एनसीईआरटी भी नहीं आएगा, एनसीईआरटी में सेल्फ एनर्जी नहीं है, नहीं आएगा एनसीईआरटी में, नहीं आएगा, फॉर्मूला भी नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में मेन्स या नीट में इसका फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन आ